तो चलिए स्वागत करते हैं आपका साइंस के पहले वीडियो में। मैं बता दूं आपको, मैं ऑब्जेक्टिव से आपको सब्जेक्टिव बनाना सिखाता हूं मैथ में। आपने देखा होगा हमारा जलवा, और आपने साइंस को थी संस्कृत को भी एंजॉय किया होगा और हिंदी को भी। आपने देखा होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव तो याद करना ही नहीं पड़ता होगा, लेकिन साइंस में देखो दिखा समय कम है। मैं तो साइंस वैसे का चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको उतना तो नहीं चैप्टर बाई चैप्टर तो आपको पूरा सब्जेक्टिव नहीं करा सकता हूँ, लेकिन चैप्टर बाई चैप्टर आपको मैं ऑब्जेक्टिव करा सकता हूँ। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसके आधार पर मैं उसको अब कोशिश करूँगा कि उसको भी मैं आपको टच कर दूँ। देखिए क्या है, पहला मैं कुछ क्वेश्चन एक दो जो ऊपर वाले मिलेंगे इधर उधर से मिलेंगे, बाकी मैंने एक चैप्टर से ही क्वेश्चन को इकट्ठा किया है। और यहाँ देख आप हेडिंग देख रहे होंगे 2011 से लेकर 2021 तक जितने पूछे गए प्रश्न हैं सब मिल जाएंगे आपको। ये बात करता हूँ सिर्फ मैं आपका जो साइंस में देखिए आपको तीन चीज़ पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। तब केमिस्ट्री में हम लोग हैं पहले, इसमें पहला चैप्टर जो आपका मिलता होगा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो समय रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो चैप्टर है उसका हम लोग बात करेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं लिख दिया था, फिर मैं सोचा कि मैं क्वेश्चन बैंक से करा दूँ, फिर मैं सोचा कि नहीं चैप्टर बाई चैप्टर कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना चाहिए, VVI प्रश्न है, वो कौन सी धातु इस चाकू से काटा जा सकता है, तो उसके आप याद रखेंगे सोडियम होता है और पोटेशियम। मैक्सिमम आपको ऑप्शन में सोडियम ही मिलेगा। अब देखिए हीरा किस तत्व का अपरूप है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप याद रखिए कार्बन का। लेकिन देखिए मैं नोट्स में कुछ लिख दिया हूँ, कार्बन के तीन अपरूप और होते हैं। आप कार्बन के तीन अपरूप होते हैं, पूछा है क्वेश्चन कार्बन कितने अपरूप होते हैं, तो तीन, कौन कौन, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, इनमें से कोई होगा उस पर आप टिक कर दीजिएगा। मैंने देखिए क्वेश्चन सिर्फ आंसर नहीं किया हूँ, उसके साथ साथ कुछ उसका जो ऑप्शन होता है उसका डिस्कशन भी कराया हूँ। अब देखिए तीन नंबर प्रश्न आपका चालू हो गया यहाँ से, पहले चैप्टर से, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो अब बताइए। देखिए यहाँ मैं लिख दिया हूँ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहता है, अभिकारक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभिकारक। लेकिन मैं और एक बात लिख दिया हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया का जो अभिकारक के पर जो अभिक्रिया तो अभिकारक भाग लेते हैं, जो कुछ बनता है पदार्थ उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं या प्रतिफल बोलते हैं। जैसे मैं बात करूँ आपको एक इक्वेशन दिखाता हूँ, देखिए भाग लेने के बाद क्या हो रहा है, जैसे मैं बात करूँ कि हाइड्रोजन हो गया और अपने लिए ऑक्सीजन, दोनों के जो अणु परमाणु आपस में रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्शन का चिन्ह होता है अभिक्रिया का, तो क्या बनाएंगे ये लोग, आपको पता है जल बनता है, क्या बनता है, जल। हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। लेकिन इस अभिक्रिया को संतुलित करने का भी मैं सिखा रहा हूँ कैसे संतुलित होता है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन दो है, H2 और चलिए यहाँ पे अभी उसको हम बाद में सीखेंगे। यहाँ देखिए क्या इसको आप क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभिकारक। लेकिन अभिकारक के जो परिणाम स्वरूप जो चीज़ बना, क्या बना, ये आपका उत्पाद बनता है, क्या बनता है, उत्पाद, इसको भी याद रखेंगे। या इसको प्रतिफल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रतिफल। और जो रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, इसमें जो चीज़ ने भाग लिया है, दो चीज़ ने भाग लिया है, जो भाग लिया है इनको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक बोलते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे आप। अब देखिए प्रश्न चार नंबर पर पढ़ेंगे अब, तो लिखा है कि फेरस और कोष्ट में एस है, एस मतलब सॉलिड होता है ठोस, प्लस CuSO4। देखिए फेरस एस मतलब सॉलिड, याद रखिए। देखिए आपने पढ़ा होगा ना पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और प्लाज्मा और आइंस्टीन भी है, पांच होते हैं टोटल, लेकिन आपने तीन मुख्य तो पढ़ा होगा, ठोस, द्रव, गैस। एस मतलब ठोस, सॉलिड। ए क्यू का मतलब होता है आइक्वा फाइनेंस, मतलब आइक्वा सॉल्यूशन, क्या होता है, आइक्वा सॉल्यूशन, एस मतलब सॉलिड, आइक्वा सॉल्यूशन। फिर आपको कहीं जी मिलता है वो गैस होता है। तो फेरस और कॉपर सल्फेट के विलयन को जब हमने फेरस और कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करवाया तो हमको क्या मिला गया है, इधर मिला है कॉपर सॉलिड अवस्था मिला है, और फेरस सल्फेट जो मिला है वो जलीय विलयन मिला है। तो उपयुक्त समीकरण जो है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये विस्थापन अभिक्रिया है कि डबल विस्थापन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए अब विस्थापन है कि क्या है, इतना तो करा, देखिए इसमें तो मैं पहले गलत करता हूँ, गलत कौन है, सी तो गलत है। संयोजन मतलब होता है जुटना, जिससे यहाँ दोनों मिलकर एक चीज़ बन जाता है, दोनों अलग अलग है, एक हुआ नहीं है, तो संयोजन है नहीं, गलत है। डबल विस्थापन है कि नहीं है, और विस्थापन है इसका आंसर तो विस्थापन होगा, कैसे है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए विस्थापन अभिक्रिया जाने से पहले आप कुछ अभिक्रियाशील समूह आपको याद करना होगा, जैसे ये हम लोग याद करते हैं ट्रिक से, कान्हा कार मांगे अल्टो, जैन, फेरारी, प्रभु क्यों हजूर,
प्रभु क्यों हजूर आज आओ, आज आओ, ठीक है ना। ए यू मतलब गोल्ड होता है सोना, ए जी मतलब चांदी, ए मरकरी के सूत्र होता है पारा का, कॉपर होता है, पी बी लेड होता है सीसा, फेरस लोहा होता है, जिंक होता है, एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम और सोडियम पोटेशियम। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो आप याद रखिएगा पोटेशियम, अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सोडियम तो जरूर रहता होगा। अब देखिए यहाँ से प्रश्न अब और याद कर लीजिएगा, किसे किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, तो याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। देखिए सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होता है, याद रखिएगा एयू यानी सोना, किसको याद रखिएगा सोना सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। सबसे अच्छा चालक कौन होता है, इसको याद रखिएगा चांदी को, सबसे अच्छा चालक कौन होता है चांदी। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होता है सोना। कौन ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है सोना। सबसे अधिक्रियाशील धातु कौन है पोटेशियम और सोडियम, याद रहेगा ना आपको। फिर अगर देखिए इन चारों में से पूछेगा सबसे कौन अधिक है तो इसको बताइएगा। मान लीजिए मैं आपसे पूछ दूँ कि इन चारों में से सबसे अधिक्रियाशील कौन है, तो जो सबसे ऊपर है सबसे अधिक्रियाशील है यानी एल्युमिनियम इससे ज़्यादा है, इन तीनों से ज़्यादा कौन है एल्युमिनियम, फिर इन तीनों में कौन है और इन दोनों में तीनों बात की जाए तो जिंक है, और लोहा में और शीशा में बात की जाए तो लोहा हो जाएगा, और इसी तरह बात किया जाए इन चारों में कौन अधिक्रियाशील है तो शीशा ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद कॉपर और मरकरी और ये आपका एजी यानी चांदी। देखिए अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो इसमें ऊपर है ना वो मजबूत होता है, जो नीचे है कमज़ोर होता है, तो मजबूत आदमी कमज़ोर को हटाता है। तो अब चलिए मैं आपके पास ले चलता हूँ क्वेश्चन के पास। देखिए यहाँ क्या है फेरस है, यहाँ क्या है कॉपर है, इस सल्फेट को छोड़िए अभी, यहाँ कॉपर है और फेरस है। अब चेक कीजिए कॉपर और फेरस की तुलना में, कॉपर नीचे आता है, फेरस कहाँ आता है, फेरस है इसके ऊपर है, तो फेरस मजबूत है ना, ये मजबूत है तो किसको हटाएगा कॉपर को हटाएगा यानी विस्थापित कर देगा उसको, वहाँ जगह उसका जगह छीन लेगा, जो विस्थापन इसी को बोलते हैं जगह छीनना। आप किसी की जगह पर बैठ के उसके और अपनी जगह उसको बैठा दी, इसी को विस्थापन बोला जाता है। तो कॉपर ने क्या किया है, कॉपर ने क्या किया है, यहाँ क्वेश्चन था कॉपर ने क्या किया है, लोहा क्या किया है कॉपर को हटाया होगा। देखिए लोहा क्या किया है, पहले कॉपर किसके साथ था, सल्फेट के साथ था। देखिए सल्फेट साथ कॉपर है नहीं है, कौन आ गया है लोहा आया है, यानी उसको विस्थापित कर दिया है अपने जगह पर और उसकी जगह पर चल गया, इसीलिए क्या है विस्थापन है। डबल विस्थापन मैं बताऊंगा कहाँ होता है, वो मिलेगा क्वेश्चन उस टाइप से बता दूंगा, उसमें दो दो आदमी विस्थापित, एक दूसरे करेगा दूसरा उसको करेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही आदमी ने विस्थापित किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये देखिए बिंदु लगाया होना ये आंसर ये हो जाएगा। तो चार का आंसर है। पाँचवा प्रश्न देखिए, ZnCuSO4 रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये भी क्या है विस्थापन अभिक्रिया। देख लीजिए जस्ता ने क्या किया है, कॉपर को हटाया है, कॉपर अलग कर दिया ना, पहले क्या था सल्फेट से कौन था कॉपर, जस्ता ऊपर होता है, देखिएगा जस्ता ऊपर होता है कॉपर से, कॉपर से ऊपर जस्ता होता होगा है ना, तो यही हटाएगा, ये मजबूत है। कोई पूछेगा कॉपर और जस्ता में कौन सबसे अधिक्रियाशील है, तो बताइएगा जस्ता भी, ये पहले अभिक्रिया करेगा जो ऊपर आता है। देखिए अब इसको याद करिएगा ट्रिक से, कान्हा कार मांगे अल्टोजैन फराबी, अल्टोजैन फरारी प्रभु क्यों है हजूर आज आ जाओ, ठीक है ना, इस तरह से याद कर लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे याद करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। छठा प्रश्न देखेंगे, समीकरण तो पाँचों का आंसर क्या हो गया बी विस्थापन, समीकरण देखिए 2H2+H2 यहाँ क्या बन गया है जल बन गया है, कैसी अभिक्रिया है। अब देखिए यहाँ दो चीज़ था मिलकर क्या हो गया है एक हो गया है संयोग, अच्छे बोलते हैं ना कि संयोग से मिलन हो गया किसी से, कोई बोलता है कि उनसे संयोग से मिलन हो गया, तो संयोग किसको बोलते हैं, संयोजन का मतलब होता है मिलना। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन था दोनों मिल गए, क्या मिल गए एक चीज़ बन गया, तो जो दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपसे एग्जाम में गारंटी क्वेश्चन देता हूँ सब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा। देखिए आपसे पूछ सकता है संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, या विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मैं आपको हंसते खेलते याद करा दूंगा, देखिए इसका भी मैं करा देता हूँ संयोजन का। तो विस्थापन का कैसे याद करेंगे, इसमें एक तत्व के परमाणु समूह, किसी तत्व के परमाणु समूह विस्थापन का देखिए, किसी तत्व के परमाणु समूह दूसरे तत्व के परमाणु समूह को विस्थापित कर देते हैं, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं आप एक समीकरण कुछ भी लिख दीजिएगा, इसको ही याद कर लीजिएगा, यहाँ इसको देखा दीजिएगा लिखी और बता दीजिएगा कि कॉपर सल्फेट कॉपर को फेरस ने विस्थापित करके फेरस सल्फेट बना लिया है, ये इसको आप कर देंगे, एक क्वेश्चन गारंटी में रहेंगे। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूँ, इससे आप कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना सीख जाएंगे। यहाँ से मैं उनके लिए बात करता हूँ जो अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जो चैप्टर बाई चैप्टर पढ़े हैं, तो उनके लिए तो रामबाण साबित होगा, उनके लिए बहुत अच्छा होगा साधन यहाँ से रिवीजन करने के लिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से उतना मैं इंक्लूड कर दिया हूँ एक ही वीडियो में।
तो यह क्या हुआ, दो चीज़ मिलकर एक बन गया है ना, इसे एकल अभिक्रिया भी बोलते हैं या इसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। दो चीज़ मिलकर एक, तो दो पदार्थ मिल, जब दो पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद बनाए इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बोला है सोडियम सल्फेट Na2SO4, यानी सोडियम सल्फेट क्या है, एक्वा, AQ का मतलब याद रखिए जलीय विलयन, बेरियम क्लोराइड Ba से बेरियम क्लोराइड क्या है, ये भी जलीय विलयन है। तो क्या बना है, यहाँ बेरियम सल्फेट बना है, और ये तो पूछ रहा है कि ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ डबल यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया है, कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्यों कहते हैं, देखिए यहाँ भी दो चीज़ था, यहाँ भी दो बना, ठीक है, क्लियर है। देखिए सल्फेट के साथ कौन था, सोडियम था, तो बेरियम ने किसको हटाया, सोडियम को, ठीक है ना, तो बेरियम के साथ सल्फेट बन गया। अब देखिए क्लोराइड के साथ पहले कौन था, बेरियम था, लेकिन इसके जगह पर कौन आ गया, यानी इसको ये हटाया, इसको हटाया, पारापारी दोनों ने दोनों को हटाया, यानी दो जगह विस्थापन हुआ है, एक तो यहाँ आया है तो इसके साथ ये गया है, कोई बिछड़ा नहीं है, तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन। तो आंसर याद हो गया ना आपको, देखिए आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ बातों को समझ जाइए। अभिक्रिया देखिए CuO एन कॉपर कैल्शियम ऑक्साइड CuO एन कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 एन हाइड्रोजन मिलके किस तरह अभिक्रिया कर किया है, ये बोर्ड मॉडल सवाल है। जहाँ जहाँ BM लिखा हूँ उसको तो आप उसको तो आप दिमाग में ही रखिएगा, रटना मैं गलती से बोल रहा हूँ, रटने वाला विषय कोई नहीं होता है, उसको सिर्फ समझना चाहिए। रटने वाला कोई चीज़ होता है तो मेरे ख्याल से फार्मूला होता है, उसको याद कीजिएगा। तो ये विस्थापन अभिक्रिया देखिए ना, कॉपर ने क्या किया, कॉपर को किसने हटाया है, कॉपर और हाइड्रोजन मिलके यहाँ क्या बना है, CU। देखिए क्या हुआ है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ ये कहाँ चला गया है, ये हाइड्रोजन के पास चला गया है, इससे हट गया है, यहाँ पर इसमें आके जुट गया है, तो ये कैसे अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ क्या हुआ है, हाइड्रोजन थी, कॉपर से कौन विस्थापन हो चुका है, हाइड्रोजन यहाँ आ गया है। यहाँ भी आप देखना चाहेंगे तो इसको आप याद जरूर कीजिएगा, कॉपर इसको आप याद करने चाहिए, इसको जो मैं शुरू में दिखाया, ये आपको बुक में दिया होगा, उसको याद करेंगे। चलिए अगले प्रश्न के पास चलते हैं। बहुत मेहनत लगता है इन सब कामों को करने के लिए, क्योंकि आपको एक चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चन को एक जगह इंक्लूड करके देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप खुद करके देखिएगा ना, 2011 से लेकर 2021 तक सारे प्रश्न को चैप्टर बाय चैप्टर इकट्ठा कीजिएगा, तो कितना कठिन काम होता है आपके लिए। लेकिन मैं आपके लिए वो करता हूँ कि आपको याद करने इससे पढ़ने से फायदा हुआ ना, कि एक चैप्टर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और प्लस में आपको चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और सारे उसके ऑब्जेक्टिव को याद भी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पूछा समीकरण, यहाँ जिसे कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ उष्मा दी गई है, तो इस किस प्रकार का समीकरण है, तो देखिए ये भी बोर्ड मॉडल सवाल है, इसको आप याद रखेंगे। वियोजन, देखिए वियोजन किसको बोलते हैं, यहाँ क्या चीज़ है, एकल उत्पाद है, क्या है, एकल उत्पाद। यहाँ कैल्शियम एक चीज़ है ना, थोड़ा सा गर्मी दिया गया, उष्मा हीट दिया गया, तो ये दो चीज़ में टूट गया ना। तो देखिए जब दो चीज़ मिलकर एक बन जाए तो संयोजन है, लेकिन एक चीज़ दो चीज़ों में बढ़ जाए उसे वियोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वियोजन। संयोजन वियोजन दोनों को याद रखिएगा, दोनों एग्जाम की दृष्टि से अच्छे हैं। इसी को अपघटन भी बोला जाता है, यानी टूटना, टूट जाना, ये एक चीज़ के दो चीज़ बन गया, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन उसका क्लियर हो गया। 10वां प्रश्न देखते हैं, फेरस ऑक्साइड Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना है प्लस फेरस, किस तरह की अभिक्रिया है, किस तरह है ये, किस तरह की अभिक्रिया है, संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है, विस्थापन है, यहाँ विस्थापन है। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ एल्युमिनियम जो है पहले फेरस को हटाया है, किसको हटाया है, फेरस को, क्योंकि उसके जगह पर खुद चला गया है। देखिए एल्युमिनियम क्यों हटाया है, देखिएगा इस तालिका से, एल्युमिनियम क्या होता है, फेरस से मजबूत होता है ना, क्योंकि ऊपर आता है, अल्टोजेन फरारी कान्हा कार मांगे अल्टोजेन फरारी, फरारी मतलब फेरस, लोहा, लोहा से बड़ी मजबूत होता है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम जाहिर सी बात है जो ऊपर आता है तो उसकी शरीर अभिक्रियाशील श्रेणी ज़्यादा होती है, तो उसको अभिक्रिया जो इसकी इडेक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको जाहिर सी बात है वहाँ से विस्थापित करेगी, उस कमजोर को हटाएगी, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हुई है। तो इसका आंसर आप याद देखिए, मैं लाल लट्टी कर दिया छोटे छोटे अक्षर में, जैसे उमर सीट भरते हैं ना, वैसे आपका आंसर हो गया। 11 नंबर प्रश्न ही बोर्ड मॉडल सवाल है, VVI क्वेश्चन है, जहाँ देखिए VVI लिखा हूँ तो इसको तो रट जाना है, बाकी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि फालतू क्वेश्चन में लिया ही नहीं हूँ, लेकिन अगर पूछेगा सर से कम क्या पढ़ना पड़े, तो मैं यही बोलूँगा कि जी जो बोर्ड मॉडल लिखे उसको तो कम से कम आप याद ही रखिए, लेकिन मेरा अगर बात माने तो आप सारे प्रश्न को आपको आंसर याद हो जाएगा, एक बार पढ़ के देखिए, सब याद होना चाहिए आपको। किस समीकरण बोले समीकरण में इतना और ऐसा है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया, अब खुद चुनिए आप कैसी है, अपघटन है, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है, अक्षेपण है। चलिए नया क्वेश्चन है बताता हूँ, यहाँ देखिए कोई विस्थापन स्थापन तो हुआ नहीं है, दोनों मिल के एक हो गए हैं, तो आपको देखिए दो चीज़ मिल के एक हो गया है तो संयोजन होना चाहिए, तो ऑप्शन में कहीं संयोजन तो है नहीं,
लेकिन ये ऑक्सीकरण ऑप्शन में टिक किया हूँ। ऑक्सीकरण क्या हुआ है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन था इसमें आके जुट गया है, तो जहाँ ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण बोलते हैं। ऑक्सीजन यहाँ था इसमें आके जुट गया तो ऑक्सीकरण इसको अभिक्रिया बोलते हैं। ऑक्सीजन का योग हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 12 कॉपर और हाइड्रोजन के जो इसमें बना है तो ये किसका उपचयन है, किसका अपचयन है, ये तो VVI क्वेश्चन होते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ ही लेते हैं हर बार आपसे प्रश्न में। तो देखिए इसका मैं ट्रिक लिख दिया हूँ, अपचयन उपचयन किसको पहचान गया, अपचयन में देखिए या तो O2 यानी ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ऑक्सीजन उसमें से हट जाएगा और क्या जुटेगा ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन जुट जाए और ऑक्सीजन उसमें से हट जाए उसको अपचयन बोलिएगा। और याद रखिएगा अब उपचयन किसको, जिसमें ऑक्सीजन जुट जाए और ऑक्सीजन हट जाए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हुआ क्या है, कॉपर और हाइड्रोजन में, तो कॉपर से क्या हुआ है, हाइड्रोजन क्या हुआ है, हाइड्रोजन में क्या जुटा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में क्या जुटा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा अभिक्रिया हुआ है, तो कॉपर से क्या हटा है, ऑक्सीजन हटा है, तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है ना, किससे ह्रास हुआ है, तो ये अभिक्रिया कौन हो गया, अपचयन हो गया। लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा किसका अपचयन हुआ है, तो देखिए किसमें से ऑक्सीजन हटा है, इसमें से ऑक्सीजन हटा है, O2 का ह्रास, और इसमें से O2 हट गया है, तो O2 हट गया है तो अपचयन किसका हुआ है, कॉपर से हुआ है, कॉपर से कॉपर, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन जुट जाए, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग हो तो क्या होगा, उपचयन होगा, क्या होगा, उपचयन, 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 सी, ए आंसर हो जाएगा इसका। इसको तो याद रखिए ऑक्सीजन का योग मतलब उपचयन, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग तो उपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, देखिए इसी दो पॉइंट से सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, अपचयन, 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 इसका अपचयन ये बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए तो ये याद रखिएगा ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए तो अपचयन अभिक्रिया होती है, अपचयन, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना, इसको टिक कर लीजिएगा। कौन सा कथन सही है भाई, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड में कार्बन मिलाया गया है तो जिंक और कार्बन बना है, तो यहाँ क्या हो रहा है, पूछ रहा है कार्बन अपचयित हो रहा है कि जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब देखिए अपचयित उपचय से यहाँ से इसी से सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं अभी जितने आने वाले हैं। तो यहाँ देखिए जस्ता से क्या हुआ है, ऑक्सीजन हटा है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इसमें जाके मिल गया है कार्बन में, तो कार्बन में ऑक्सीजन मिला है, किसमें मिला है, कार्बन में ऑक्सीजन, तो कार्बन में ऑक्सीजन का योग हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, उपचयन, किसका, कार्बन का, तो कार्बन का उपचयन, ये रहा ऑप्शन ए, कार्बन अपचयित हो रहा है क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुटा है ना, तो जिसमें जुटेगा। और पूछेगा जस्ता क्या हुआ है, तो जस्ता का यहाँ जस्ता से हटा है तो जस्ता का उपचयन, जस्ता से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है तो अपचयन, जस्ता अपचयित हो रहा है, तो जस्ता अपचयित हो रहा है, ये नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो बोलिए कार्बन उपचयित हो रहा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ जस्ता नहीं दिया गया है, ZnO दिया है, और ZnO दिया है तो ZnO नहीं पूछा, हमारे पास दो ही चीज़ है, या तो जस्ता है या नहीं तो कॉपर है, या कार्बन है, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग बराबर उपचयन, तो कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना साइंस आपको। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगर 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स, कोई तत्व चमत्कार है, ऐसी चमकदार है, क्या बोला, चमकदार है यानी चमकीला है, और उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला रंग का हो जाता है, तो वो तत्व का नाम क्या होना चाहिए। तो याद रखिए कॉपर होगा, कॉपर को अगर आप ऑक्सीजन के साथ में गर्म करेंगे ना तो काला पड़ जाता है, क्या होता है, काला, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 16 का। 17 नंबर देखिए, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो क्या होता है, उजला निकलता है, क्या होता है, उजला, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उजला चमकीला, ये सब तो जुबान पे होना चाहिए आपको। देखिए अब फिर आ गया उससे सवाल, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, उपचयन में क्या होता है, देखिए मैं यहाँ बताया था उपचयन में क्या होता है, उपचयन में ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का ह्रास, तो ऑक्सीजन का योग, तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का वियोग यानी ऑक्सीजन का ह्रास, ऑप्शन बी भी सही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो ये तो होता ही है अभी सभी अभिक्रिया में, तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। पूछ रहा है कि साग सब्जी जो हमारा सब्जी जो होता है उसको विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है, तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। इन सब प्रश्नों को कंठस्थ रखेंगे दिमाग में। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पर, एनोड पर, कैथोड पर, तो कैथोड पर होता है, ठीक है ना।
एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10^12, 10^12, 10^-12 मत बोलिएगा, 10^12। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिए ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। अब बार बार सांस लीजिए ना, आपके शरीर में ऊष्मा गर्मी आ जाएगी। निम्न में कौन सा अवकारक है, अवकारक मैं बताया था ना आपको, अवकारक मतलब क्या होता है, अक्षिकारक है। तो अवकारक को देखिए, ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलते हैं अगले प्रश्न के पास। अब देखिए यहाँ पूछा निम्नलिखित में कौन सा अक्षिकारक है, अक्षिकारक कौन है, आपने देखा था ना वहीं पे क्वेश्चन। देखिए अवकारक पूछे तो इसको बोलेंगे, ठीक है ना, हाइड्रोजन को। अक्षिकारक पूछे तो ऑक्सीजन को बोलेगा, अवकारक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अक्षिकारक बोलेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, मैं जो हवा से कौन अभिक्रिया नहीं करता है, जो सबसे नीचे आता है, सबसे नीचे कौन आता है, ए यू, यानी ए आज आओ, यानी यहाँ भी ए यू होता है, यानी गोल्ड, सोना होता है, ए यू मतलब गोल्ड होता है। ये देखिए आप सिंबल याद कीजिएगा सारे तत्वों का, और उसका परमाणु क्रमांक संख्या, जो मैं अगले वीडियो में आपको दिखा दूंगा, आपको याद भी होगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन का परमाणु संख्या क्या है, सोना का परमाणु संख्या क्या है, सल्फर का परमाणु संख्या क्या है, गंधक का परमाणु संख्या क्या है, तो वहाँ से मैं आपको दिखा दूंगा, आप याद कर लीजिएगा। अभी मैं थोड़ा रात हो गया, वीडियो अभी क्लियर नहीं आएगा ना, तो मैं लिस्ट लगाया हूँ, थोड़ा आप देख रहे होंगे, तो ये जो मैं पढ़ाता हूँ, ये मैंने देखिए ऑफलाइन क्लासेस की, आपको कुछ दिखाता हूँ मॉडल। ये देखिए यहाँ LED लगा दिया हूँ कि बच्चे थोड़ा ऑनलाइन भी पढ़ते हैं उनको पढ़ाता हूँ, यहाँ मैं कुछ लगाया हूँ, अभी नहीं दिखेगा आपको, और ये शाम का क्लास चला है बच्चों का, उनका है, एक पीरियडिक टेबल आपको दिख रहा होगा, यही मेरा क्लास है, थोड़ा दिखा दूँ आपको आज मेरा अपना क्लास का। ये देखिए यहाँ बेरेंच वेंच लगी हुई है, ठीक है, तो अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको दिखा दूंगा मैं कि कैसे उसका आप कैसे याद करेंगे, ऐसे आपको याद भी होगा। चलिए अब तो कौन अभिक्रिया नहीं करेगा, सोना नहीं करता है, सोना जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना, इसीलिए सोना में आप देखते हैं जंग नहीं लगता है, इसीलिए उसको हम लोग ज्वेलर के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होगा, यानी शीशा के बुरा शीशा के नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या क्या प्राप्त होगा, तो याद रखिएगा NO2 और ऑक्सीजन प्राप्त होगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको इसका जो समीकरण संतुलित कैसे किया था उस पर मैं कुछ क्वेश्चन दिखा दूंगा, और जो परमाणु संख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से कर दूंगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए इस सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ाइए और इसको जम के पढ़ते रहिए, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है इस चैप्टर से, इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू सो मच।